तो हे हेलो गाइस, कैसे हो? मैं आपका दोस्त ऑगी और आज हम फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की एडवेंचर से भरी हुई दुनिया। हे भैया, कैसे हैं आज? तो भैया काफी मजा आने वाला है। ओए, ऐसा क्या हो गया जो इतना ज्यादा मजा आने वाला है? ओए हे भैया, मैंने सुना है कि माइनक्राफ्ट में सायरन हेड आ चुका है। ओए, ये क्या बोल रहा है, सायरन हेड? हाँ भैया, वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो कि भैया माइनक्राफ्ट में आ चुका है। ओए, ये भला तुझे कैसे पता चला? ओए हे भैया, ये जो सामने लड़का बैठा हुआ है ना, इसी ने बताया है कि मैं जंगल गया था और वहां पर मुझे सायरन हेड दिखाई दिया, तो भैया ये भाग कर चला आया। ओए मुन्ना, तब तो उसे देखना बनता है। हाँ भैया बिल्कुल, चलिए चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले उन सभी को शाउट आउट जो पिछली वीडियो में ढेर सारे प्यार भरे कमेंट किए थे और ढेर सारा सपोर्ट दिया था। और गाइस, और हमेशा की तरह आपने फिर से दिखा दिया कि ये रॉक इंडियन आर्मी है। तो गाइस, उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से बड़े वाला शाउट आउट भी। तो गाइस, इसी तरह से अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगे तो लाइक वगैरह कर दिया करो ना। और गाइस, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो क्या कर रहे हो, जल्दी से कर दो ना। इसमें तो पैसा भी नहीं लगता, फ्री में हो जाता है। ओए बिल्कुल सही कहा है, बिना पैसे वैसे वगैरह के हो जाता है, बस सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ता है। चलो मैं भी शाउट आउट दे देता हूँ मेरी तरफ से। तुम लोग तो जानते हो एक ही फंडा रहता है, वो भी एक सिंपल सा फंडा, वो भी तोड़ने फोड़ने वाला, 2.5 किलो वाला शाउट आउट। ओ तोड़ दो फोड़ दो और हमेशा की तरह भसड़ मचा दिया करो। ओए चल मुन्ना, वीडियो को स्टार्ट भी कर देते हैं। ओए ओए, ये बता लड़के, तूने देखा कहाँ था सायरन हेड को? ओए अजानी, वो पास वाले जंगल में है और वो बहुत ही बड़ा और खतरनाक है। अजानी हम एक चीज बता दे, सायरन हेड न तीर से न तलवार से, अब बंदा डरता है तो परवरदिगार से। ओ चल ठीक है, परवरदिगार से तो डरेगा ही, लेकिन वो जैक 2.5 किलो के हाथ से भी डरेगा। ओए मुन्ना, छोड़ूंगा नहीं सायरन हेड को, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। ओए हे भैया, अगर वो कह रहा है तो कुछ सही ही कह रहा होगा ना, क्योंकि भैया उसने देखा है। ओए देखा होगा, कुछ भी होगा, लेकिन आज मुन्ना सायरन हेड बचने वाला नहीं है। ओए अजानी, तुम उसे छू भी नहीं पाओगे, वो तुम्हारा काम तमाम कर देगा। ओए चल ठीक है, बकवास मत कर, देख लेंगे सायरन पायरन हेड को। ओए ये बता, सायरन हेड मुन्ना बहुत पॉपुलर है क्या? हाँ भैया, वो बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है, मैंने तो सुना है। हे भैया ये देखिए, हम लोग लगता है जंगल में आ चुके हैं। ओए मुन्ना, अंधेरा क्यों है इतना ज्यादा, ये क्या? हे भैया, ये कौन सी बीन बजने लगी? ओए मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। हे भैया, उस लड़के ने बताया था कि भैया सायरन हेड बहुत तेज तेज आवाज करता है, लगता है भैया उसी की आवाज है। ओए मुन्ना, तू फिक्र मत कर, तेरा भैया तेरे साथ है। ओए हे भैया, जंगल में, ए भैया ये कहां से आ गया और ये हम लोग के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? ओए निकल ले। ओए मुन्ना, हमारा मूकू कहां से आ गया? ए भैया ये मूकू नहीं है, देखिए हमें मार रहा है। ए भैया मर गए। ओए ये कहां आ गए? हे भैया ये देखिए, सामने घर भी है और फिर से डॉगी, और भैया ये डॉगी हमें मार क्यों रहे थे? ओए मुझे अगर समझ में आ जाता तो मैं तुझसे क्यों पूछता। ओए हे भैया, देखते हैं अगल बगल। ये देखिए भैया ये घर, मुझे तो भैया कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। हे भैया इधर देखिए, एक चेस्ट है। ओए खोल के तो देख। ओए तलवार मिली है गोल्ड की। ओए चल ले लेते हैं, इन डॉगियों को मारने का काम आ गया, क्योंकि अटैक हमें देखते ही पता नहीं क्यों करते हैं। ओए ये रहा सामने। हे भैया ये, हे भैया फिर से अटैक करने लगा, मारिए ना। ओए तोड़ दूंगा, निकल ले। ये ले बन्ना मर गया, तलवार से मारा करिए ना भैया। ओए इस घर में चलते हैं। ओए ये कैसे खुल रहा है गेट, मुझे भी भैया समझ में नहीं आ रहा। इस चेस्ट में क्या है? कुछ नहीं है भैया, खाली है। चलिए भैया सो ही लेते हैं, तब तक रात हो रही है क्योंकि। ओए ये क्या मुन्ना, डैमेज क्यों होने लगा और ये रात हटी क्यों नहीं? हे भैया मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, ये रात क्यों नहीं हटी? चलिए भैया खाना खा लीजिए, और भैया ये हम लोग को हंगर इफेक्ट क्यों मिला है? ओए वो तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। हे भैया हो सकता है सायरन हेड का एरिया है, तभी हम लोग को हंगर इफेक्ट मिल चुका है। ओए मुन्ना ये आवाज वगैरह बहुत भयानक आ रही है, कहीं सायरन हेड आ ना जाए। हे भैया मुझे भी लग रहा है। देखिए भैया अंधेरा कितना है जंगल में।
ओ ये बताइए भोपू कौन बजा रहा है? हे भैया ये सायरन हेड की आवाज है। जब भैया ये भोपू बज जाए तो समझ लीजिए कि सायरन हेड कहीं यहाँ से पास है और भैया हम लोग के लिए खतरा भी बहुत है। ओ ये सायरन हेड, ओ ये क्या है मुन्ना, ये कौन सी बला है? हे भैया यही तो सायरन हेड है। ओए मुन्ना तूने तो बताया था सायरन हेड है। हे भैया उसने ये भी तो बताया था कि वो एक मॉन्स्टर है। ओए मुन्ना ये तो काफी डेंजर लग रहा है, इसका मुंह तो देख कैसे है। हे भैया मैंने भी देखा, अचानक से गायब हो गया। हे भैया ये कहां से डैमेज मिल रहा है? भूख लगे भैया मार गया। ओए मुन्ना बहुत डेंजर है, एक ही बार में मार दिया, मौका भी नहीं दिया। हे भैया हम तो सायरन हेड को देख नहीं आए थे ना। सायरन हेड तो भैया हम निकलने ही नहीं दे रहा। हे भैया जल्द से जल्द हम लोग को इस जंगल से निकलना पड़ेगा। ओए मुन्ना बिल्कुल सही कहा, बहुत ही डेंजर लगता है। ओए हाँ भैया डेंजर तो काफी है, और भैया इसका मुंह कितना डरावना है ना। ओए मुंह तो पता नहीं कहाँ से बनवा के, ओए ये क्या लिख गया। हे भैया फिर से मार दिया। ओए मुन्ना ये पता नहीं कहाँ से टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। ओए हे भैया क्या बताऊं मैं अब। वाह क्या बात है, और देखो सायरन हेड को, अच्छा है। ओए मुन्ना एक तो ये वुल्फ पता नहीं हम लोगों के ऊपर गुस्सा क्यों है। ओए हे भैया ये सायरन हेड के पालतू हैं, उसकी ही बात मानेंगे ना। वो देखिए भैया आवाज आई वुल्फ की, ये देखिए भैया आ रहा है। ओए निकल ले, तू कौन है निकल ले, मार दिया मुन्ना। हे भैया बहुत सारे वुल्फ घूम रहे हैं, थोड़ा सा बच के रहिएगा क्योंकि ये सायरन हेड के पालतू हैं। ओए वो तो मुझे भी पता है, ये क्या, ये कौन सा ब्रिज है, देखते हैं आगे चलकर। हे भैया संभल के रहिएगा, पूरे जंगल में सायरन हेड घूम रहा है ना। ओए वो तो मुझे भी पता है, इधर साइड चलते हैं, कुछ तो मिलेगा ही। हे भैया अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। ओए समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। ओए चल चलते हैं इधर कुछ देखते हैं। ओए ये मुन्ना आ रहा है सायरन, भाग जल्दी से। ओए हे भैया पता नहीं फिर से आ गया, देखिए भैया इसका मुंह तो देखिए। ओए मुंह तो मुझे भी दिख रहा है, भाग ले पहले यहाँ से, भाग गया भैया जल्दी से, नहीं तो इस बार फिर से काम तमाम कर देगा। ओए मुन्ना काम तमाम कर। ओए ये क्या गायब हो गया क्या? ओए यही पर है मुन्ना, भाग ले जल्दी से। हे भैया भाग गया ना, ये क्या है भैया कोड? ओए ये कौन सा कोड आ गया, देखते हैं। हे भैया एक कोड मिल गया, पता नहीं क्या है। हे भैया सायरन हेड कहाँ चला गया? हे भैया ये आ रहा है सायरन हेड, भाग गया जल्दी से। भागो बिल्लो भागो, सायरन हेड ने एम्बुलेंस का इंतजाम कर लिया है, अच्छा है। हे भैया ये देखिए उसकी आवाज बजने लगी, भाग गया जल्दी से, नहीं तो मार देगा। कहाँ चला गया भैया? ओ ये डॉगी क्यों पीछे लगा हुआ है? ओ ओ ये क्या, फिर से टेलीपोर्ट होके मार दिया, दिमाग खराब करके रख देता है। हे भैया ये देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड 6 कोड्स। हे भैया एक तो हमने फाइंड कर लिया है, मुझे लगता है 6 कोड फाइंड करने पड़ेंगे तभी हम लोग इस जंगल से निकल पाएंगे। ओए मुन्ना लेकिन ये कोड हमें मिलेंगे कहाँ पर? हे भैया वो जो ऊपर चमकता रहता है ना, वही भैया उधर ही हम लोगों को कोड मिलेगा। अब भैया उसको ध्यान देना है कि हम लोगों को कहाँ दिखता है वो चीज। ओए मुन्ना सायरन हेड फिर से ना आ जाए। हे भैया उसका आप ध्यान रखिएगा, खाना खाइए जल्दी से भैया, कहीं वो आ ना जाए जल्दी से कि हम लोग भागने भी ना पाए। ओए ये मुन्ना हंगर इफेक्ट एक तो मिला हुआ है, जल्दी जल्दी भूख भी लगती है। ओए हाँ भैया वो बात तो सही कही आपने। हे भैया देखते जाइएगा इधर ही से लगता है जाना है। भैया वो देखिए एक और कोड जल्दी से लीजिए। ओए रुक जा, ये ले मुन्ना ले लिया, दो कोड हो गए। ओए अब तो मजा ही आ गया, एक इधर भी था ना। हाँ भैया चमक तो रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। हे भैया लगता है इसी जंगल में सारे कोड्स हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि भैया दो कोड्स तो हमें मिल चुके हैं, 6 ढूंढने पड़ेंगे। ओए मुन्ना ये बात तो तू सही कह रहा है, ये कोड्स हमें क्यों मिल रहे हैं? लगता है यहाँ से निकलने के लिए मिल रहे हैं। हाँ भैया ये कोड्स ही हम लोग को यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन भैया सायरन हेड का ध्यान रखिएगा, क्योंकि भैया वो कहीं से, हे भैया ये क्या है? ओए पता नहीं निकल ले, ये क्या मुन्ना ये तो मर गया, पता नहीं भैया क्या था। ओए जो भी हो ध्यान मत दे, एक और चेस्ट, इसमें क्या है? हे भैया इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए द कोड आर अराउंड द फॉरेस्ट, मतलब कि भैया हम लोग को इस पूरे जंगल के अंदर ही कोड्स मिल सकते हैं, और भैया हम लोग को पूरा जंगल ही ढूंढना पड़ेगा, कोड ढूंढने के लिए पूरा जंगल को रिसर्च करना पड़ेगा। ओए लेकिन मुन्ना वो सायरन हेड सभी जगह से आ जाता है। हे भैया अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से निकलने के लिए भैया कोड्स तो चाहिए ही होंगे ना। ओए ये बात भी सही कही मुन्ना, चल ढूंढते हैं कहीं ना कहीं तो कोड्स मिल ही जाएंगे,
लेकिन मुन्ना उस फायर हेड का ध्यान रखना, वो कहीं से भी आ जाता है। ओए, एक तो भैया ये हम लोग को भूख ही नहीं चलने देती। देखिए भैया फिर से भूख लगने लगी, जल्दी से खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो चलने भी नहीं पाएंगे। ये देखिए भैया हेल्थ जाने लगी, आप भी खा लीजिए। ओए रुक जा, खा लेता हूँ। ओए ये ले मुन्ना, खा लिया, अब जल्दी से आगे चलते हैं, कोर्स कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। ओए हाँ भैया ढूंढना है। भैया वो देखिए सामने चमका तो कुछ। ओए ये क्या मुन्ना, सामने सारे हेडा भाग ले यहाँ से। ओए हाँ भैया जल्दी से भागिए, नहीं तो फिर हम लोगों का काम तमाम कर देगा। हम ओए वो देख मुन्ना कितना लंबा है। ओए ये बना किसमें से है। हे भैया उसकी वैरायटी देखना बंद करिए ना। हम भागिए जल्दी से यहाँ से। ओए मैं तो उसे देख रहा था लेकिन वो तो हमारे पास ही आ रहा है। हे भैया वो हमें मारने के लिए आ रहा है, जल्दी से भागिए ना। हम ओए चला गया लगता है। हे भैया वो यही कहीं होगा गया। हे भैया मैंने कहा था ना आप मत उसे देखिए। वाह और देख ले, अच्छा है। हे भैया मैंने पहले ही कहा था उसे मत देखिए, वो कहीं से भी अचानक टेलीपोर्ट होकर आता है। हम अब भैया जल्दी से आप कोड ढूंढने में ध्यान रखेंगे। हम ओए चल ठीक है कोड ढूंढते हैं, मैं तो देख रहा था वो गया कहाँ, अचानक से टेलीपोर्ट। ओए फिर से मार दिया, ये मुन्ना दिखता भी नहीं कहाँ से आता है। हे भैया कोई तो मुझे भी देखिए भैया, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। हम हे भैया आप जल्दी से कोर्ट ढूंढिए क्योंकि हम लोगों के पास खाना भी ज्यादा नहीं है। ये देखिए भैया मिल गया। ओए मिल गया, बल्ले बल्ले, जल्दी से ले मुन्ना, तीन हो गए। हाँ भैया तीन कोर्ट हो गए, मजा ही आ गया। अब भैया तीन और बचे, बस भैया तीन ढूंढने के बाद हम लोग यहाँ से हो जाएंगे रफू चक्कर। हे भैया एक और कोर्ट जल्दी से लीजिए। ओए रुक जा, ले लिया। ये ले मुन्ना दो कोर्ट तो बहुत जल्दी जल्दी मिल गए। हाँ भैया काफी ढूंढ। हे भैया ये डॉगी फिर से हमला करने लगे। और निकल लो डॉगी, सारे हेड के पालतू और निकल लो। ये ले मुन्ना मार दिया सभी को। हे भैया आपने तो कमाल ही कर दिया। ओए मुन्ना तेरा भैया हमेशा से कमाल का है। ओए हे भैया सारे हेड का ध्यान रखिएगा। मैं तब तक खाना खा लेता हूँ, आप भी खा लीजिए ना। ओए रुक जा, एक ब्रेड खा ही लेता हूँ। हे भैया ये देखिए कितना घना जंगल है ना। ओए जंगल तो घना है, वो देख सामने एक और ब्रिज। हे भैया यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, उस पार ही जाना पड़ेगा। ओए मुन्ना इस जंगल में घर तो बहुत सारे हैं, ये बता तू कोड ढूंढने के बाद यहाँ से निकलेंगे कैसे। हे भैया आपको एक वहाँ पर दरवाजा नहीं दिखा क्या, वहाँ पर एक दरवाजा था उसमें कोड मांग रहा था। ओए तब तो कोड ढूंढना ही पड़ेगा। ये क्या एक और चीज चमक रही है, देखते हैं क्या है। ओए एक तो भैया ये वुल्फ हम लोगों को कितना परेशान कर लेते। ओए निकल लो। ओए मुन्ना सारे हिंड ने इनमें कौन सा जादू चला दिया है। हे भैया सारे हिंड भागे जल्दी से। ओए मर गए, अब क्या कर सकते हैं, मुन्ना अचानक से आ गया। हाँ भैया अचानक से तो आ गया, पता नहीं भैया ये जब डॉगी गुस्से में हो जाते हैं तभी सारे हेड भी आ जाता है। लगता है ये जितने भी वुल्फ हैं सब बता देते हैं उन्हें। ओए मुझे भी लगता है मुन्ना ये वुल्फ उन्हें बता देता है सारे हेड को कि ये लोग यहाँ पर हैं। हाँ भैया वो तो मुझे भी लग रहा है। चलिए भैया कोर्स ढूंढते हैं जंगल के अगल बगल, देखिए भैया कहीं ना कहीं तो ऊपर से जलेगा ही वो चीज। ओए वो तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ मुन्ना, ये देख सामने एक और वुल्फ। हे भैया उस पर ध्यान मत दीजिए ना। क्योंकि भैया वो गुस्से में आ जाता है तो पता नहीं सारे रेड क्यों आ जाता है उसी समय। ओए वो उसे बुला लेता है, इतना नहीं समझ में आया क्या। हाँ भैया ये बात तो सही कही, सारे रेड तुरंत उधर ही पहुंच जाता है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ओए मुन्ना कोट ढूंढने के लिए फिर से इधर जा रहा है। हे भैया अब कोट ढूंढने के लिए ये चीज तो करना ही पड़ेगा ना। ओए चल चलते हैं देखते हैं क्या है। ओए ओए मुन्ना संभल संभल के चलना, कहीं से भी आ सकता है। हे भैया थोड़ा सा आप चुप रहिए ना, आप तो वैसे भी डराते रहते हैं। ये देखिए क्या है भैया। ओए लाइटनिंग है और क्या है। हे भैया कुछ तो हुआ। ओए सारे हेड आ रहा, भाग ले। ओए मुन्ना एक तो ये आवाजें मेरे कान में इतना ज्यादा दर्द दे देती हैं। हे भैया ये देखिए अभी वुल्फ भी गुस्से में आ जाएंगे, जल्दी भागिए ना। ओए भाग तो रहा हूँ मुन्ना। हे भैया सारे हेड का मेन हथियार ही है उसको अपनी आवाज से मारना सामने वाले को। ओ ये देखिए वुल्फ गुस्से में आ गए। ओ निकल लो, नहीं छोड़ूंगा। हे भैया जल्दी जल्दी मारिए ना। ओ ये ले सबका काम तमाम कर दिया, भाग ले जल्दी यहाँ से। हे भैया भाग तो रहा हूँ ना। हे भैया फिर से मार दिया। ओए अब क्या करूं। ओए एक तो मुन्ना ये सारे हेड मर ही नहीं रहा, पता नहीं से तलवार मारो तो लगती ही नहीं। हे भैया वो इतना बड़ा मॉन्स्टर है, उसे एक गोल्ड की तलवार कैसे लग सकती है। ओए ये बात भी सही कही मुन्ना, आप जल्दी जल्दी मुझे लगता है कोड ढूंढना चाहिए, नहीं तो हम लोग इस जंगल से कभी जिंदगी में नहीं निकल पाएंगे। ओए
हाँ भैया ये बात बिल्कुल सही कही, जल्दी जल्दी हम लोग को कोर्ट ढूंढना चाहिए। हे भैया अब तो हम लोग का खाना भी खत्म हो चुका है। ओए मुन्ना ये क्या जंगल के बीच में? हे भैया मुझे भी नहीं पता। हे भैया देखिए वाटर बॉटल मिली है और भैया ये क्रॉसबो मिला है और कुछ एरो मिली है। ओए इसका अब क्या काम हो चुका है, तलवार से हम लोग सबको मार देंगे। ओए ये ओए फिर से आ गया। ओए मुन्ना मुझे दिमाग खराब हो गया मेरा, इसे अगर मार सकता ना तो यहीं पर तोड़ फोड़ के चला जाता, कुछ भी ना कर पाता मेरा। ओए हे भैया आप उसे नहीं तोड़ सकते। ओए मुन्ना यही तो बात है ना कि मैं उसे तोड़ फोड़ के बराबर नहीं कर सकता। ओए हे भैया आप उस चीज पर ध्यान ना दीजिए जो पॉसिबल ही नहीं है। जल्दी से भैया कोर्ट ढूंढिए और यहाँ से निकलते हैं। हे भैया उस लड़के ने बिल्कुल सही कहा था, साइरनहेड तो काफी ज्यादा डेंजर है। ओए मुन्ना डेंजर तो है ही है। ओए जल्दी से कोर्ट ढूंढते हैं और इस दरवाजे को खोलते हैं। ओए हाँ भैया जल्दी जल्दी सभी काम को हम लोग को करना चाहिए। ओए मुन्ना अब तो हम लोग का खाना भी खत्म हो चुका है। हे भैया कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त कमान दोस्त। ओए डायलॉग बाजी तुझे सूझ रही है इस समय? ओए ये पानी क्यों पी रहा है? हे भैया भागिए, सारे हेड पीछे ही पड़ा हुआ है। ओए मुझे भी पता है, जल्दी जल्दी भाग ले। ओए हे भैया ये सारे हेड भी ना पता नहीं हम लोग के पीछे क्यों पड़ चुका है। ओए मुन्ना ये पता नहीं हम लोग को मारना ही चाहता है एकदम से। ओए भाग ले मुन्ना जल्दी से, इसे तो हम मार भी नहीं सकते। ओए हाँ भैया जल्दी जल्दी रास्ता ढूंढिए, पता नहीं हम लोग किस बर्फीले एरिया में आ चुके हैं। भागिए जल्दी जल्दी। ओए भागी तो रहा हूँ, रास्ता मिले तभी तो भागूंगा। आ रहा है क्या? हाँ भैया आ रहा है, जल्दी से भागिए ना। ओए मुन्ना बहुत पीछे पड़ गया, एक तो ये आवाज है मुझे इरिटेट कर लेती है, इसकी पता नहीं कौन सा भोंपू बजाता रहता है। ओए हे भैया ये तो सामने ही है, जल्दी भागिए। हे भैया इधर से तो रास्ता ही ब्लॉक हो चुका है, अब क्या होगा? ओए अब क्या होगा, मार दिया फिर से मार दिया। हे भैया जल्दी से कोर्ट ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं ये कोर्ट भी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ओए वही तो बात है, ये पता नहीं कोर्ट मिलते क्यों नहीं है। हे भैया एक और कोर्ट जल्दी चलिए। ओए रुक जा, ले लिया मुन्ना, एक और चाहिए मुन्ना और यहाँ से जल्दी से रफू चक्कर हो जाएंगे। हाँ भैया बिल्कुल सही कहा, एक कोर्ट और ढूंढना चाहिए, यहीं पर कहीं होगा। ओए मुन्ना एक कोड और बस चाहिए, पांच मिल चुके हैं। हाँ भैया एक कोड और भैया हम लोग यहाँ से रफू चक्कर, फिर सारे हेड भी हम लोग का कुछ भी नहीं कर पाएगा और भैया जिंदगी में कभी सारे हेड को देखने नहीं आएंगे। ओए अब तो मैं कभी नहीं देखने आऊंगा, इतना डेंजर है मैं तो जानता भी नहीं था। ओए ओए फिर से वहीं पर पहुंच गए। हे भैया आगे चलते जाइए। हे भैया जल्दी जल्दी भागिए ना, वो पीछे ही पड़ा था। ओए रुक जा, जल्दी से भाग ही रहा हूँ। ओए ओए मुन्ना इतनी मशक्कत के बाद कोड मिल गया, जल्दी से अब क्या करना है? हे भैया मुझे भी तो नहीं पता। देखिए भैया एक बटन है यहाँ पर, ओए जल्दी से दबा देना। हे भैया हेलीकॉप्टर आ रहा है, मतलब भैया अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ओए मुन्ना कमाल हो गया, इतनी मेहनत के बाद हम लोग यहाँ से निकल ही गए। ओए इस सारे हेड ने तो परेशानी कर दिया। ओए अब यहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे। हाँ भैया फाइनली निकल गए। ओए मुन्ना अब तो मैं जा रहा हूँ अपने पुराने वाले घर, यहाँ पर कभी आऊंगा भी नहीं। हाँ भैया जल्दी से चलते हैं। हे लड़के हम जा रहे हैं। अजानी कैसा लगा एडवेंचर कर? ओए अच्छा अच्छा नहीं लगा, चुप रहा तू, अपना मुंह बंद रख। ओए तो हे गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हे भैया ये क्या हो गया? हाँ भैया अब दिख चुके हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटे को भी तोड़ दीजिएगा, फोड़ दीजिएगा, लेकिन कर जरूर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।